सभी को जय हिंद। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं कमांडो फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान पटना का यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक ऐसे बंदे से आपको मिलाएंगे जो कि इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, और ये अपने मेहनत पे सिलेक्ट हुए हैं और दिन रात एक किए। जब मेरे पास आए थे तो इनका टाइमिंग क्या था, और जब यहाँ पे ये रहे तो इनका टाइमिंग क्या रहा, ये सभी बातें ये अपने खुद बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार फौजी भाई के लिए जोरदार ताली स्वागत कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। आप जाइएगा, आप मेरे एकेडमी के तरफ से देश का सेवा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम क्या आपका? सचिन कुमार सिंह। सचिन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला से, मतलब क्या यहाँ पे आए थे, तो आपका क्या अनुभव रहा? जो भी दरोगा के कैंडिडेट अभी जुड़ने वाले हैं उनको कुछ आप बताएंगे? जी सर, अगर आपको किसी भी चीज़ का फिजिकल का तैयारी करना है, आप इस एकेडमी में एकदम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जैसा ना कमांडो टीम के जैसा कोई भी एकेडमी में तैयारी नहीं होता है। क्योंकि हम भी आए थे, जब हम भी बहुत गांव में दौड़े थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन जब हार गए जब, तो आए सर से मिले और सर से बताए, तो सर हमको मेहनत कराए और खुद साथ में ट्रेनिंग किए, दोनों सर ट्रेनिंग दिए लो हमको, और जाके हम अपना वहाँ बेस्ट दिए और आज ये अपने मुकाम पर पहुँच गए हैं। और एक ही बच्चा नहीं, मेरे एकेडमी से 6 बच्चा अभी तक इंडियन आर्मी में ज्वाइन किए हैं। और इस बार जो 2-3 दिन पहले दानापुर आर्मी का ये रिजल्ट आया, मेरिट आया, उसमें 6 बच्चा ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे सभी लड़के से मिलाएंगे, जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे आपको सबसे बात करवाएंगे, सबका अनुभव आपको शेयर करवाएंगे कि यहाँ पे आखिरकार प्रैक्टिस होता कैसे है, और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो है। और हम लोग खुद एक नेशनल प्लेयर है और हमारे सर स्टेट प्लेयर हैं। तो आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपको हर चीज़ हर तरीके से और हर वर्कआउट आपको डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे कि आप कहीं भी जाइएगा, भीड़ में फंस जाइएगा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए आप कहीं पे गए जहाँ पे 200-300 बच्चे हैं, वहाँ पे आपको मान लीजिए हाई जंप के लिए आप लाइन में लगे, क्या आप कितने बार कर पाएंगे? मात्र 1 से 2 बार कर पाएंगे, वो भी आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, फंस जाएंगे हाई जंप, आपको फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भीड़ से आप बचिए, और जहाँ पे अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है प्रैक्टिस, वहाँ पे आप जाइए, ठीक है। ये हमेशा हम अपने बच्चे को बोलते हैं, जो भी इंक्वायरी करते हैं हमसे, सबसे पहले हम उनको यही बात बताते हैं। तो एक ही नहीं, कई बच्चे हमारे एकेडमी से फौजी में ज्वाइन किए, पिछले बार भी मैंने रिजल्ट दिया है, और SSCGD और ग्रुप डी, जब हम यहाँ आए थे तो ग्रुप डी का बैच सबसे पहले हम लिए थे, उसके बाद से जो भी मेरे एकेडमी में ज्वाइन किए 100% अपने तरफ से पूरा एकदम हम प्रैक्टिस करवा के उनको ज्वाइन करवाए, चाहे ग्रुप डी हो या SSCGD हो, इंडियन आर्मी हो, बिहार दरोगा हो। तो अभी हमारा बिहार दरोगा का बैच चल रहा है, और एक सेपरेट बैच है जो कि उसमें सिर्फ दरोगा के ही बच्चे हैं, और बिहार पुलिस के जो भी बच्चे उनको अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग सुबह से स्टार्ट करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस, और उसके बाद 7:30 बजे से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको भी ज्वाइन करना है तो पता है गांधी मैदान पटना, गेट नंबर 5 के सामने, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन के ऊपर नंबर है, तो आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपका ट्रेनर साथ में रनिंग करे और आपको हर चीज़ दिखाए, बताए कि क्या वहाँ पे कैसे आपको आपका हैंड कैसे मूव होना चाहिए, पैर कैसे चलना चाहिए, आपका स्पीड क्या रहना चाहिए, आप हर राउंड का टाइम आपका क्या जाना चाहिए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, हमारे फौजी भाई के दादाजी भी आए हैं, वो भी 2 शब्द कहेंगे कि यहाँ पे कैसे इनका जो पोता है यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए, और उनको कितनी खुशी हो रही है आज उनके सामने एक फौजी खड़ा है, ठीक है। तो चलिए, दादाजी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आप कुछ बोलिएगा, कुछ बोलिए अपने पोते के लिए। ये गांव पर बहुत परिश्रम किए, लेकिन उसके बाद यहाँ आए और यहाँ आके निकल गए, सफल हुए, यही सब दूसरा का कहना है। चलिए एक बार जोरदार ताली से फौजी भाई के लिए स्वागत कीजिए, जोरदार ताली से। चलिए एक बार और आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए कि अभी इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं तो क्या आपको कितनी खुशी हो रही है? सर, हमको बहुत खुशी हो रही है सर, क्योंकि सर हम शुरू से ही सोचे थे ना कि हमको जो भी मतलब पहला अटेम्प्ट जो करेंगे ना हम, उसमें अपना लास्ट आखिरी देंगे सर, आखिरी देके और अपना हम जो है लक्ष्य को हासिल करेंगे, और बस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही, और एक बात और, ऐसे ही हम हमेशा रिजल्ट देते रहेंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, SSCGD हो, किसी भी चीज़ का वैकेंसी हो, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें,
क्योंकि मेरे पास अगर आप आइएगा तो हम आपके अंदर से बेस्ट निकलवाएंगे, चाहे वो रनिंग हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, गोला हो, किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग हो। तो आप जहाँ भी हो, बिहार से या इंडिया के कोई भी कोने से हो, आप चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी बने, बिहार दरोगा बने, SSCGD बने, हम भी जाके अपने अपने देश को, स्टेट को अपने सेवा दे, तो आइए हमारे एकेडमी में। प्रैक्टिस आपको मन से करवाया जाएगा और अच्छे से करवाया जाएगा। और सबसे पहले तो बिहार दरोगा के लिए क्या है कि अभी वो लोग स्टार्ट किए हैं और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा तेज़ रनिंग नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे दरोगा के लिए स्पेशल वीडियो, डाइट का वीडियो और कैसे उनको स्टार्टिंग में रनिंग करना है। जो भी बिगनर बच्चे हैं सभी के लिए एक एक वीडियो डालेंगे और आप उस वीडियो को जाकर बढ़िया से देखिएगा। चलिए एक बार फौजी भाई के लिए फिर से जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ए मन्नू लेकर आ, अरे वो तो गाड़ी आपका भर है। एक और बात, आप लोग का प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? जो भी बिहार दरोगा के कैंडिडेट है संतुष्ट है ना आप लोग? और अभी ही हम 5 से 6 वर्दी फिक्स कर दिए हैं, नाम तो नहीं लेंगे, जो कि मेरे पास 10 से 12 दिन 15 दिन पहले आए थे, उनको सही से प्रैक्टिस करवाया गया, सही दिशा में प्रैक्टिस किए, अभी वो ग्रुप ए में रनिंग कर रहे हैं। जो 7:30 बजे बिहार पुलिस का बैच चलाते हैं उसमें वो रनिंग करते हैं और उसमें भी करते हैं। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, जितने भी मेरे अंदर है वो बेस्ट हम देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए चलो जोरदार ताली स्वागत कीजिए इनको। भारत माता की जय। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी दरोगा का कैंडिडेट है उनके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, वो कैसे रनिंग करे, क्या डाइट यूज करे और किस तरह से वो प्रैक्टिस करे, ठीक है। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।